الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير आप सब लोगों का मैं आज फिर इस क्लास में खुशामदीद कर रहा हूँ। हमने इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू बेसिक अरबिक ग्रामर, इंट्रोडक्शन टू अरबिक ग्रामर, हमने उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हमने जिक्र की थी। लेकिन जूम क्लास में टाइम की लिमिट होने की वजह से हमारी क्लास उस वक्त अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म हो गई थी। हम हालतुल एराब को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सोचा आज हम उसी लेक्चर को ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर हम अपनी किताब की तरफ वापस आएंगे जिस किताब को हमें पढ़ना है। तो मैं उस वक्त आपको सिखा रहा था, दरअसल शायद प्रोफेसर महरीन साहब ने सवाल किया था कि अगर हम किसी कलमे को फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में पेश के साथ ख़त्म करते हैं या ज़बर के साथ ख़त्म करते हैं या ज़ेर के साथ ख़त्म करते हैं, स्पीकिंग इन उर्दू हैं, पेश ज़बर ज़ेर अरबी का नाम है ज़म्मतुन फ़तहतुन एंड कसरतुन, तो इससे माने में क्या तगयुर वाक़ा होता है। और नंबर एक, नंबर दो, अगर हम ये अलामत जो है फॉर एग्जांपल जिसको हम उर्दू में पेश कहते हैं, इसके दो नाम क्यों हैं? एक इसका नाम है जम्मा और दूसरा नाम इसका है रफा। तो उस सिलसिले में हमने थोड़ी सी उस वक्त गुफ्तगु की थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि चूंकि वो गुफ्तगु थोड़ा तिशना रह गई, जरा उसको और थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएं, या ऐसा कहिए चूंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम अभी बिगिनर स्टेज पे हैं। अलबत्ता हम उसको दोहराएंगे, कम से कम जो हमने पढ़ा था जरा उसको हम दोहराएंगे। तो मैं आपको यहां से मैं स्टार्ट करूंगा कि हमारे पास जो क्या नाम है ये पेश जो है हमारे पास, इसको अरबी में क्या बोलते हैं? इसको अरबी में बोलते हैं जम्मत, इसको अरबी में बोलते हैं जम्मत, ये इसका नाम है। ये जम्मत यानी जिसको आप उर्दू में पेश बोलते हैं उसको अरबी में जम्मत। अगर आप अरब वाले किसी के साथ गुफ्तगु करेंगे तो आप उसको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अलहमदु के दाल के ऊपर पेश है, तो वो नहीं समझेगा पेश व्हाट डज इट मीन। तो पेश जो है ये हमारी अपनी जो है हमारे उलमा ने इसको पेश पता नहीं कैसे गर्दाना है। तो इसका असली अरबी नाम क्या है? जम्मतुन है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 डॉक्टर साहब। चलिए तो लेकिन इसी जम्मा को जब हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए कलमे के आखिरी हरफ पर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु के दाल के ऊपर पेश है, तो हम इसको वहां जम्मतुन नहीं बोलते हैं। जम्मतुन सिर्फ इस अलामत का नाम है, हम इसको बोलते हैं रफ़ुन, रफ़ुन, हम इसको बोलते हैं रफ़ुन, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी इसको क्या नाम है किसी लेटर के ऊपर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां दाल, दाल के ऊपर मैं अगर पेज डालूं तो मैं कहूंगा ये दाल जो है मजमूम है। दाल क्या है? मजमूम है, मीम ज़ाद मीम वा मीम मदमूम है। लेकिन अगर मैं ऊपर लिखूंगा ये अलहमदु वर्ड जो है, अगर मैं अलहमदु वर्ड के साथ जो है उस पे गौर करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा अलहमदु, ये पूरा कलमा इस जुमले में मरफू है, ये पूरा कलमा इस जुमले में क्या है? मरफू है।
ये पूरा कलमा इस जुमले में मरफू है। तो ये है इसके और उसके दरमियान फर्क। ये मरफू होना या इस पे रफा होना जो है ये जुमले में एक पोजीशन का नाम है बेसिकली। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर हम जुमला इस्मिया लिखते हैं तो जुमले इस्मिया के दो बुनियादी जुज होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा खबर। मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी मरफू होती है। तो आप जिस मुब्तदा को मुब्तदा की पोजीशन पर आप जिस कलमे को भी इस्तेमाल करेंगे वो मरफू होना चाहिए, इल्ला ये कि उसमें कोई उज्र हो। ये इंशाल्लाह आगे आएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर इतना ही सिखा रहा हूं कि इस जैसे मैंने पेश को बता दिया वैसे मैं आपको जबर के बारे में भी बता दूंगा कि जबर का असली अरबी नाम क्या है। जबर का अरबी नाम है फतहतुन। जबर का अरबी नाम क्या है? फतहतुन, फतहतुन। और ये फतहतुन जो है इसको अगर जुमले में किसी कलमे के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आलमीना के ऊपर जबर है, तो ये आलमीना के ऊपर हम इस पूरे वर्ड को क्या कहेंगे? क्या ये जबर वाला है? हाँ, उर्दू में तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन हम अरबिक में कहेंगे ये तो नसब वाला है। इसको अरबी में क्या कहेंगे? नसब वाला है, नून सौद बे नसब वाला है। इसको अरबी में क्या कहेंगे? नसब वाला है। और अगर इस पूरे कलमे को मुझे बताना है पूरा कलमा क्या है तो मैं कहूंगा ये मंसूब है, ये मंसूब है। यानी आलमीन का वर्ड जो है यहाँ, ये पूरा कलमा मंसूब है। अब अगर आप मुझे सिर्फ इस नून के बारे में, किसी जगह मैंने फॉर एग्जांपल नून लिखा है तो आप मुझे कहते हैं कि ये नून, नून जो है नून के ऊपर फॉर एग्जाम्पल जबर है, आप मुझे कहते हैं ये नून क्या है, तो मैं कहता हूं ये नून जो है ये मफ्तूह है, नूनी मफ्तूह, मफ्तूह मीन्स फतह वाला, नूनी मफ्तूह इसके ऊपर फतह है, नूनी मफ्तूह ये फतह वाला है। लेकिन ये पूरा कलमा फॉर एग्जांपल अल आलमीन, ये पूरा कलमा जो है अल आलमीन, इसको हम क्या नाम है क्या कहेंगे? ये पूरा कलमा, ये पूरा कलमा मंसूब है। मुझे इस पर भी इसमें चेंज करने में थोड़ा दिक्कत होती है, मंसूब है। इसी तरह से जेर के बारे में डॉक्टर साहब एक बात है वहां जाकर, ये मंसूब तब कहेंगे जब इसका ये एराब होगा, यानी आखिर में होगा, बीच में होगा तो मंसूब नहीं कहेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आलमीन के अगर बीच में होगा, मीम पे जबर होगा, तो उस वजह से ये मंसूब ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही समझा, लेकिन आप शायद इसको ठीक तरीके से कह नहीं पाए। असल मसला ये है, मैंने अभी कहा कि ये रफा होना या नसब होना, या हम कहेंगे मरफू होना या मंसूब होना, किसी कलमे का एक तो होता है किसी लेटर का, दूसरा होता है किसी वर्ड का। ये मरफू एराब जो है वो मंसूब, और अभी पढ़ेंगे आप मजरूर, ये एक वर्ड का होता है। यानी ये आप सिर्फ दाल का नहीं बताएंगे, ये पूरे अलहमदु का बताना है, ये पूरा वर्ड मरफू है। इसी तरह यहां आपने अल आलमीना देखा मिसाल, ये अल आलमीना पूरा वर्ड जो है इसको हम कहेंगे ये मजमू, ये मफ्तू मंसूब है, नसब वाला है जी। पूरा वर्ड। अब अगर अब रहा सवाल आपका कि जम्मतुन फतह, ये तो सिर्फ एक लेटर के बारे में बोलेंगे, इसलिए मैंने दाल अलग लिखा, नून अलग लिखा, लाम पेश लो, लाम जबर ला, मिसाल लाम पेश लो को कहेंगे लाम जो है मजमूम है, लाम जबर ला को कहेंगे लाम मफ्तू है, लाम जेर ले को कहेंगे लाम मकसूर है। मैं अभी आऊंगा इसकी तरफ, आप जरा इस पे ध्यान दीजिए। हम कहेंगे ये इस जेर को अरबी में, उर्दू में जेर कहते हैं लेकिन अरबी में कहते हैं कसरतुन, अरबी में कहते हैं कसरतुन, ये इसका नाम है। अब बस इतना याद रखिए इसका नाम है। अब हम इस कसरतुन को अगर ये फॉर एग्जांपल किसी वर्ड के आखिर में है, जैसे यहां पे हमारा एक वर्ड है लिल्लाहि, लिल्लाहि, तो ये अल्लाह का कलमा जो है, अल्लाह का ये वर्ड जो है, ठीक है, ये वर्ड ये हम कहेंगे ये मजरूर है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मजरूर है, मीम जीम रे वारे मजरूर है, ये पूरा वर्ड मजरूर है इस जुमले में।
ठीक है ना सर, इस जुमले में ये पूरा वर्ड मजरूर है। मैं आपको इस तरह अब सिखाऊंगा, जरा मैं इसको दूसरा तरीका ले लूंगा, मैं इस तरह बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बा, हमारे पास है ता, सा, जीम, हा वगैरह वगैरह। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको बतौरी अल्फाबेट या बतौरी लेटर्स पढ़ेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश बतौरी लेटर्स पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, बाता सा जीम हा। मगर इसको साउंड देने के लिए, आवाज प्रोनाउंस करने के लिए, बा साउंड, तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यही जबर, जेर या पेश। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से बा की मिसाल लेता हूं, अगर बा के ऊपर जबर है ये अलग साउंड के साथ, अगर बा के नीचे जेर है अलग साउंड के साथ, अगर बा के ऊपर पेश है, तो ये तीन साउंड बन गए आप, बा बी बो, तीन साउंड बन गए। हम कहेंगे बा, इस पहला बा, पहली बा जो है ये मफ्तू है, दूसरी जो है ये मकसूर है यानी जेर वाली, तीसरी जो है ये क्या है, ये मजमूम है। हाँ, मजमूम है। यहां तो सवाल ही नहीं पैदा होगा कि मरफू है, मनसूब है और मजरूर है, नहीं। ये मरफू होना और मनसूब होना और मजरूर होना जो है, ये तो जुमले में जब किसी कलमे को इस्तेमाल किया जाए, कलमा हम कहेंगे, अभी मैं नीचे आ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिखा अलहमदो, या मैं कहूंगा अल किताबो, इसके लास्ट पर गा ही है, लेकिन ये पूरा अल किताब कलमा जो है, इसके ऊपर अगर इसके आखिरी हरफ के ऊपर बा पेश यानी पेश होगा, जबर होगा, जेर होगी, तो हम इस पूरे कलमे के बारे में ये कहेंगे कि ये मरफू है, ये मनसूब है, ये मजरूर है, मजरूर है। हाँ, तो इतना आप याद रखिए कि मनसूब हो, ये मरफू होना जो यहां है, मरफू होना और एक मिनट आप रुकिए, मरफू होना और मनसूब होना और मजरूर होना जो है, इनका ताल्लुक, इनका ताल्लुक सेंटेंस के साथ है, इनका ताल्लुक अलग कलमे के साथ नहीं है। ये सेंटेंस में ऐसे होंगे, कोई कलमा जब इस्तेमाल हो जाएगा तब इसको ऐसा होगा, यानी जब आप फॉर एग्जांपल अल्लाह लिखेंगे अलग किसी जगह, आप अल्लाहु भी लिख सकते हैं, अल्लाह अल्लाह ही कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री, लेकिन इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया है अल्लाह ही, तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि इसको इसको ये जर किसने दे दी, ये जेर इसको किसने दे दी, यही है सारी अरबिक ग्रामर का जो है खुलासा, कि आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप उसको उसमें देखते हैं कि मुझे ये वर्ड जो है मरफू पढ़ना है या मनसूब पढ़ना है या मजरूर पढ़ना या मजरूर पढ़ना है। ये इंशाल्लाह आगे आगे क्लियर हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे मतलब ऐसे ही छोड़ते हैं। अब दूसरा वर्ड जो है, चूंकि हम पढ़ रहे थे अभी तक, हमने पढ़े अल्फाबेट्स अरबिक सारे के सारे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि कुछ लोग कहते हैं 28 हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं 29 हैं, कुछ लोग कहते हैं 30 हैं। इसकी इसकी वजूहत क्या है, ये कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा एतराज तो नहीं है, बस सिंपल एतराज है कि कुछ लोग हमजा और अलिफ को दो अलग मानते हैं तो उनके लिए 29 आते हैं, कुछ लोग ता, गोल ता और फैली हुई ता को अलग अलग मानते हैं तो उनके लिए 30 आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड व्यू यही है कि भाई नहीं 28-29 है, बस 28-29 है। अब ये अल्फाबेट्स अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये कलिमा बनाते हैं, क्या बनाएंगे, कलिमा। मैं उर्दू के उस में झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, लफ्ज होता है फिर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, मैं उसमें नहीं, मैं डायरेक्ट कलिमा पे आता हूँ। कलिमा मीन है सिंपली मीनिंगफुल वर्ड, एक वर्ड बन गया जो मीनिंगफुल है, बस उसको कलिमा कहते हैं। अब कलिमे की तीन किस्में आएंगी अरबिक में, अगर आप इंग्लिश देखते हैं तो वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं, वहां 8 है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन यहां अरबिक में सिर्फ 3, इसम, फ़ाल और हर्फ। यानी जो भी कलमा आप यहां लिखेंगे सेंटेंस में, या आप बोलेंगे, या आप सुनेंगे, या किसी किताब से पढ़ेंगे, वो या तो इसम होगा, या फ़ाल होगा, या हर्फ होगा। फिर इसम की अपनी किस्म है, इसम होगा यानी नाउन जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, प्रोनाउन होगा
डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसी तरह से आप दो चार चीजें वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, ये पांच चार पांच चीजें इसम की कैटेगरी में ही आती हैं। फेल की कैटेगरी में सिर्फ आएगा फेल, फेल फिल माजी होगा, मुजारा होगा, अमर होगा, क्या होगा वो आगे। और हरूफ जो है इसकी तो कई किस्में हैं, ये तो आएगा इंशाल्लाह ताला अपनी इस पे वक्त पे आएगा। तो कलमे से कलमे की यहां तीन किस्में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो हम तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं वो है मुरक्कबात। कभी कभी क्या होता है, मुरक्कबात में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। एक ये जब आप इस एक किस्म एक फेल या एक किस्म या दो इसमों को या एक किस्म एक हरफ और एक फेल को इनमें से किसी चीज को आप एक दो चीजों को मिलाते हैं तो वहां एक मुरक्कब मुरक्कबात बनती है। एक मुरक्कब जो है, इस मुरक्कब में आप ये देखेंगे कि एक मुरक्कब होता है जिसको आप बोलेंगे मुरक्कबिताम, मुरक्कबिताम यानी जिसको आप दूसरा नाम है सेंटेंस, दूसरा नाम है सेंटेंस मुरक्कबिताम। और दूसरा जो है जिसका नाम है मुरक्कबी नाकिस, मुरक्कबी नाकिस। ये मुरक्कबी नाकिस क्या है, इसको हम बोलेंगे फ्रेज, फ्रेज या कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं इस तरह, और भी दो तीन नाम लिखते हैं। ये फ्रेज जो है, ये फ्रेज के बारे में आप ये याद रखेंगे कि फ्रेज कभी पूरा जुमला नहीं होता है। ये जुमले में इस्तेमाल हो जाएगा, एक हिस्सा होगा जुमले का, लेकिन पूरा जुमला नहीं होगा, पूरा जुमला नहीं होगा। तो हमारे पास जो फ्रेज हैं अरबिक में, जो 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 आपको कंस्ट्रक्शन में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता हूँ वर्ड इस फ्रेज के बदले, क्योंकि फ्रेज तो हमारे यहाँ अलग माने भी रखता है। मुरक्कब नाकिस की चार बुनियादी किस्में हैं। एक मुरक्कब नाकिस होती है जिसको आप बोलेंगे हर्फ़ जर और प्लस इसमें मजरूर इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं मुरक्कब जारी। उसको क्या बोलते हैं, मुरक्कब जारी। जैसे आप मिसाल लिखेंगे फी अल फसल, फसल किसको बोलते हैं, क्लास को, बहुत अच्छा, फिल फसल। या इस तरह हम कहते हैं आला अल मकतबी, मेज पर अल मकतबी, हर्फ जार प्लस मजरूर, इसम मजरूर। या आप कहते हैं अलैकुम, यहाँ अला है हर्फ जार और फिर कुम बतौरी जमीर प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया अलैकुम। इसी तरह आप कहते हैं फीना, हम मैं, फी ना मिसाल के तौर पर फीना, हम में फी और फिर ना, ये हो गए क्या नाम है किसकी मिसाल है, मुरक्कब नाकिस की या मुरक्कब जारी की मिसाल है। इसमें हर्फ जर फी मिन आला इला वगैरह ये हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे। और इसमें इसम मजरूर होगा। ये इसम जो है दो सूरत में हो सकते, भी इसम कब ये मतलब इसमें जिसको नाउन ऑफ इंग्लिश में कहते हैं, कभी प्रोनाउन होगा और कभी कुछ और चीज होगी, वो हम आगे देखेंगे। दूसरी मुरक्कब नाकिस जो है जो आप पढ़ेंगे वो है मुरक्कब इशारी। वो है क्या, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी मीन्स इसमें इशारा, फॉर एग्जाम्पल हाजा प्लस मुशारुन इलेही, मैं लिखता हूं हाजा अल बाबू मीन्स ये दरवाजा। जो किताब हम शुरू करेंगे वहां हम इसको ज्यादा इसी से हमें शुरू करना है, हाजा अल बाबू, ये दरवाजा, इंग्लिश में दिस डोर, न कि दिस इज अ डोर, दिस डोर, हाँ बस इतना ही, दिस डोर। इस दरवाजे को क्या हुआ है हमें नहीं पता है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, इतना पता है हाजा अल बाबू दिस डोर। मुरक्कब इशारी में हाजा के बाद जो कलमा आएगा वो अल्फ़लाम के साथ शुरू होगा,
इसी तरह लड़की के बारे में हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हाजी ही अल बिंतु, हाजी अल, हाजी अल बिंतु, हाजी अल बिंतु, हाजी अल बिंतु, ये लड़की। या दूर कोई चीज हो तो हम कहेंगे जालिका नजम, हाँ जालिका नजम, नजम किसको बोलते हैं, तारा, तारा, जालिका नजम वो तारा। इसी तरह उलाई कर रिजाल वो आदमी प्लूरल में, वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मुरक्कबी इशारे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर है तीसरी मुरक्कबात जो है मुरक्कबी इजाफी। मुरक्कबी इजाफी मीन्स दो इस्मों को इस तरह मिलाया जाता है कि उर्दू में उनके बीच आता है की, का और के। जैसे हम कहते हैं रशीद का कलम, दो रशीद का कलम, हम कलम को पहले लिखेंगे कौफ लमीम, इसके ऊपर पेश लिखेंगे कलमो रशीदिन, कलमो रशीदिन, रशीद का कलम। उस्ताद की लड़की हम कहेंगे बिन तो बानूती, बिन तो उस्तादिन, बिन तो उस्तादिन, बिन तो उस्तादिन, बिन तो उस्तादिन, उस्ताद की बेटी। हाँ कश्मीर के मुसलमान हम कहते हैं मुस्लिमो कश्मीर, मुस्लिमो कश्मीर, मुस्लिमो कश्मीर, कश्मीर के मुसलमान, या हिंदुस्तान के मुसलमान मुस्लिमो अल हिंद या मुस्लिमो अल पाकिस्तान वगैरह। ये मुजा, तो हमने दो इस्मों को इस तरह एक दूसरे से मिलाया कि उनके दरमियान एक नस्बत पैदा हो गई, जिसको हम इजाफ नस्बत इजाफत पैदा हो गई इनके दरमियान। हम रशीद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता रशीद के कलम के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस्ताद के बारे में। डॉक्टर साहब आपने, डॉक्टर साहब आपने कलम रशीद, रशीदिन लिखा, बिन तो उस्तादिन लिखा, मुस्लिमो कश्मीरिन आपने नहीं लिखा। हाँ ये असल में कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ उस इस्म को कहते हैं जो ना तनवीन कबूल करता है ना ज़ेर कबूल करता है। जी तो आगे इंशाल्लाह आएंगे, तो मैं जरा इसको मतलब थोड़ा सा कशिर पेठ है वन अल थान दिख तु जाना नमीन थान अल दिख बुस अल थान दिख पे ताकि मे गह सहल पर्ना। अच्छा तो इसलिए थोड़ा इन चीजों को मैं छेड़ रहा हूँ तुम गो जहन में रोजुम कि ना क्या पर्व तस तथ समझ सहल इनशाला, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो चौथी कंस्ट्रक्शन जो है, चौथी कंस्ट्रक्शन वो है अल मुरक्कब अत्तौसीफी, यानी आप एक नाउन और फिर उसका एडजेक्टिव बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे रजुलुन शरीफुन, रजुलुन करीमुन, शरीफुन के बजाय हम लिखें करीमुन, रजुलुन करीमुन, एक शरीफ इंसान है, बेहतरीन इंसान, रजुलुन करीमुन। या हम कहते हैं बिनतुन सगीरतुन, बिनतुन सगीरतुन, बिनतुन सगीरतुन, छोटी लड़की, बिनतुन सगीरतुन। या कलमुन जदीदुन, या अल्फलाम के साथ कोई बनाते हैं अल कलमो अल जदीदु, अल कलमो अल जदीदु। तो ये यहां जब आप लिखते हैं इंग्लिश में ये मौसूफ और सिफत, वहां आप पहले सिफत लिखते हैं फिर मौसूफ लिखते हैं, पहले एडजेक्टिव लिखते हैं और उसके बाद उसका नाउन लिखते हैं, लेकिन अरबिक में आप पहले नाउन लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आएगा, ये एडजेक्टिव आएगा, यानी उल्टा। अगर आप बिनतुन सगीरतुन का ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले आप सगीरतुन का ट्रांसलेशन करते हैं फिर बिनतुन का, आप कहते हैं छोटी लड़की, अच्छा आदमी, न कि आदमी अच्छा, अरबी में लिखेंगे आदमी अच्छा, लेकिन उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करेंगे अच्छा आदमी। तो ये इस इन चार कंस्ट्रक्शन की जो डिटेल्स हैं उसको हम अपने अपने वक्त पर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये आपके आपके मतलब आपको बावर कराना था कि जब हम इसम फ़ैल और हरफ इनको मिलाते हैं तो वहां पे दो तरह की मुरक्कबात बनती हैं, एक मुरक्कब ताम होती है जिसको सेंटेंस बोलते हैं जो इसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे, और दूसरी मुरक्कब जो बनती है वो मुरक्कब नाकिस कहलाती। इस मुरक्कब नाकिस की चार बुनियादी किस्में ऐसी हैं जो आपको आहिस्ता 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 आप अपने वक्त पर आएंगे, एक एक लेसन में कभी हरफ जर आएगा कभी इसमें इशारा आएगा, तो उसको हम आगे पढ़ते जाएंगे ये इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो मैंने चौथी चीज आपके लिए रखी है वो है जुमलतुल, यानी मुरक्कबे ताम। ये मुरक्कबे ताम जो है जुमला कहलाएगा,
मुरकब तामीनस आप इस दो या तीन इसम या एक दो इसमों को या एक इसम और एक फेल को या एक इसम और एक हरफ और दो और एक और फेल को, इनको आप ऐसे बनाते हैं कि ये एक मीनिंगफुल जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनता है, तो आप किसको जुमला कहते हैं, इसको जुमला आप कहते हैं। अब अरबिक में जुमले की जो है दो बुनियादी किस्में हैं, दो बुनियादी किस्में हैं, वो क्या क्या है, एक है जुमलतुन इस्मियतुन और दूसरा है जुमलतुन फ़ेलियतुन। हाँ, जुमला इस्मिया उर्दू में कहेंगे जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, सिंपल, जुमला इस्मिया और जुमला। इंग्लिश में कहेंगे जुमला इस्मिया को नॉमिनल सेंटेंस और जुमला फ़ेलिया को कहते हैं वर्बल सेंटेंस। इसको ये नाम क्यों दिया जाता है, बस सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जो कल जुमला इसम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया कहलाएगा और जो जुमला फ़ेल से शुरू होगा वो जुमला जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। आप समझ रहे हैं ना मुझे? हाँ, जो जुमला इसम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिसाल लिखी है अल्लाह गफूरुन, अल्लाह इस्म है तो जब इससे शुरू होने वाला कलमा है तो ये जुमला इस्मी है। इसी तरह आज के लेक्चर में जो आपने पहला सेंटेंस पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दु जो है ये तो ये इस्म से शुरू हो रहा है इसलिए वो जुमला इस्मी है। दूसरी मिसाल हाजा किताबुन, हाजा इस्मी इशारा है तो ये भी जुमला जुमला ये जो है ये क्या नाम है ये जुमला भी जुमला इस्मिया है। हुआ उस्ताज़ुन, ये भी जुमला इस्मिया है, सारे इस्म से शुरू हो रहे हैं। इस जुमला इस्मिया में के दो बुनियादी सुतून होते हैं, दो बुनियादी जुज होते हैं, वो क्या है, एक तो मुब्तदा और दूसरा खबर। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, आप उसको ऐसे ही याद रखिए, दोनों मरफू यानी आप अगर आपने अल्लाह गफूर लिखा तो आप अल्लाह के इस आखिरी लेटर पर भी पेश लिखेंगे और गफूर के लास्ट लेटर पर भी पेश ही लिखेंगे क्योंकि अल्लाह मुब्तदा है और गफूर खबर है और इसलिए ये दोनों मरफू होंगे, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, मरफू होंगे। आप समझ रहे हैं ना? जी। हाँ, तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी हरफ का ये सॉरी किसी कलमे का मरफू होना जो है ये कोई परमानेंट सिफत नहीं है, इसमें ये सिर्फ इसलिए है कि इस जुमले में ये उस जगह इस्तेमाल हो गया जो जो क्या है रफा की जगह है, मरफू जगह है, तो इसलिए इसको पेश लगाना पड़ेगा, पेश पेश से ही पढ़ना पड़ेगा, ये परमानेंट सिफत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस कलमे को अल्लाह को आप इस सेंटेंस से निकालेंगे अलग लिखेंगे तो वहां एक अल्लाह भी हो सकता है, जैसे आप एक आयत मशहूर है वो आप सबको याद होगी इन्नल्लाह गफूरुन रहीम, इन्नल्लाह वहां अल्लाह के ऊपर जबर है, तो ये कलमा ये जबर होना आखिर पे या पेश होना ये कोई परमानेंट सिफत नहीं है कलमे की, ये तो उस सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया जहां उसको पेश होना चाहिए था तो ये पेश लग गया, अगर किसी जगह ऐसा इस्तेमाल उस तरह इस्तेमाल होगा जहां उसको जबर होनी चाहिए यानी नसब होनी चाहिए तो वहां नसब से पढ़ेंगे इन्नल्लाह, ठीक है। या आप एक सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहां तो इसके नीचे ज़ेर है, या आप पढ़ते हैं तवक्कल तो अल्लाह तो वहां इसके नीचे जहर है अल्लाह के नीचे, तो आप इसको परमानेंट सिफत नहीं मानेंगे बल्कि सिर्फ एक टेम्पररी सिफत है क्योंकि इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया यहां उस जगह जहां इसको क्या होना चाहिए, पेश होना चाहिए। तो इसको याद रखेंगे जुमला इसमें की दो बुनियादी जुज है मुब्तदा और खबर, दोनों मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, लिहाजा अल्लाह गफूरुन इसको आप ऐसे ही पढ़ेंगे। इसी तरह पढ़ेंगे आप अर्रजुलो करीमुन, आदमी शरीफ है, अलबिंतो सगीरतुन, लड़की छोटी है,
अल कलमो जदीदुन, कलम नया है। तो ये है जुमले। अच्छा ये डॉक्टर साहब लास्ट में आपने जदीदुन पढ़ा, करीमुन पढ़ा, जदीदु करीमु नहीं कह सकते, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि इस्म के साथ अगर अलिफ लाम नहीं है तो उसको तनवीन के साथ पढ़ना पड़ेगा। जी जी हाँ, पहले मैंने भाई ये दो ही अलामतें हैं, या तो इस्म इस्म जो है तनवीन के साथ पढ़ेंगे जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे ए और एन, या तो आप उसको अलिफ लाम वाला पढ़ेंगे जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे द द पेन ए पेन, इस तरह से। मैं इंशाल्लाह मुब्तदा खबर के बारे में मजीद डिटेल हम अपनी जगह पे इंशाल्लाह सीखेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ छेड़ता नहीं हूँ। अब दूसरी चीज जो लास्ट जो इस लेसन की इंशाल्लाह आखिरी चीज होगी, इसको जो हम ये क्या नाम है, दूसरा सेंटेंस, दूसरे किस्म का सेंटेंस जो है वो जुमलातुन फैलियतुन है। इसमें दो बुनियादी जुज होते हैं, फैल और फाइल, यानी डूअर, जिसने यानी जो जिसने ये काम किया हो। जैसे आप मिसाल कहेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, खालिदुन चला गया। तो जहाबा फेल है और करने वाला यानी डूअर, उसको फाइल बोलते हैं अरबी में, वो खालिद है। ये फाइल भी मुब्तला और खबर खबर की तरह मरफू होता, लिहाजा मैंने खालिदुन लिखा, मैंने खालिदन नहीं लिखा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए सर। तो जुमले फैलिया की दो बुनियादी जुज, फैल प्लस फाइल, या और तीन जुज होते हैं, फैल प्लस फाइल प्लस मफूल भी, यानी हमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। जैसे एक मिसाल मैं लिखता हूं, कताबा खालिदुन या कताबा हामिदुन अल किताबा, हामिद ने किताब लिखी, कताबा हामिदुन अल किताबा। मैंने कताबा, ये तो फैल माजी है, इसको मैंने छेड़ा नहीं, फिलहाल मैंने इसलिए पढ़ा, कताबा हामिदुन ये फाइल है यानी पेश वाला होगा, अल किताबा ये मफूल भी है जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ कहते हैं इंग्लिश में, ये ऑब्जेक्ट है तो ये मनसूब होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर जबर लगा दी, फाइल जो है फाइल मरफू होता है लेकिन मफूल भी मनसूब होता है, यानी अल किताब वर्ड इस वक्त इस जुमले में उस जगह इस्तेमाल हो गया जहां उसको क्या होनी चाहिए, नसब होनी चाहिए, तो हमने उसको नसब दे दी। ये वो फन है जो मुझे पता है कि आप आज जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं आप मानिए कि वो चीज जो आपको दो महीने तीन महीने के बाद पढ़नी थी, मैंने उसका भी थोड़ा टच यहाँ दे दिया, तो आप कुदरती सी बात है तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी कश्मीरी एक मिसाल में कह दिया कि जिस तरह जमींदार जो है मतलब अपनी जमीन को जो है ऑटम में ही विंटर से पहले ही एक बार उसको जोत के रखता है, तो इस तरह मैंने भी कोशिश की, जरा मैं इसको टच करके रखूंगा ताकि आपके जहन में आज से ये रहे कि नहीं ये कोई चीज है, पता नहीं क्या है लेकिन है कोई चीज, फेल कोई चीज है, फाइल किसी को कहते हैं, मफूल भी किसी को कहते हैं। अब इनकी अपनी खसूसियात क्या है वो इंशाल्लाह ताला आगे आगे अनफोल्ड होती जाएंगी जो ही हम किताब को पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करूंगा, अभी हम दूसरी मीटिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे, वहां पे हम डायरेक्ट किताब पर आएंगे, क्योंकि जितनी इंट्रोडक्शन में जितनी चीजें अहम थी मैंने तकरीबन उन सब चीजों को यहाँ छेड़ा, अब हम किताब में आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीजें आएंगी उनको हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप बतदरीज जो है एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।